एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है? जैसा कि हमने सीखा था कि कोई सोर्स होगा, सोर्स से साउंड रिलीज होगी। साउंड रिलीज होने पर आसपास का जो सरफेस होगा वहाँ से वो रिफ्लेक्शन एक टाइम या फिर नंबर ऑफ टाइम्स वो फील कर सकता है। देयर मे बी नंबर ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, और सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या होगा, वो साउंड हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, उस प्लेस में परसिस्ट करेगी, और ये परसिस्टेंस ही, साउंड की परसिस्टेंस ही रिवर्बरेशन कहलाती है। तो हुआ क्या, सोर्स ने रिलीज़ की साउंड, साउंड ने आसपास के सरफेस से क्या फील किया, क्या फेस किया, दैट इज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। साउंड ने फेस किए मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या हुआ, देयर इज अ परसिस्टेंस ऑफ द साउंड। साउंड जो है वो उस एनवायरनमेंट में कुछ टाइम के लिए परसिस्टेंस उसकी रह गई, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आपको सुनाई देने लगी, टकराएगी, वो आप तक आएगी। तो उस साउंड की परसिस्टेंस को क्या बोला इन्होंने, रिवर्बरेशन, दैट इज रिवर्बरेशन। अब एक केस कंसीडर कर लेते हैं सिनेमा हॉल का। सिनेमा हॉल में जब आप बैठे होते हैं तो सोर्स क्या है, जो स्क्रीन है, वहाँ से आपको लगातार साउंड आती रहेगी, ठीक है। और आसपास का जो सिनेमा हॉल है, आसपास की वॉल्स, उनसे क्या होगा, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे स्क्रीन होगी, यहाँ से साउंड जो है वो रिलीज होगी, और यहाँ पे जो चेयर पे बाकी ऑडियंस बैठी होगी उन तक वो साउंड, सब तक वो साउंड जो है वो आसपास के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके उन तक आएगी, तो उसे बोलेंगे हम, वो साउंड कुछ टाइम तक रहती है, उसे हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या है, सिनेमा हॉल में इसकी एप्लीकेशन क्या है, साउंड की लगातार रिफ्लेक्शन हो रही है, वो एनवायरनमेंट में, उस हॉल में परसिस्ट करेगी। अगर वो ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट कर गई तो आपको साउंड में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट डायलॉग सिनेमा हॉल में क्या बोला गया, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आपको क्लियर साउंड नहीं आएगी। परसिस्टेंस ऑफ साउंड की वजह से क्या होगा, आपको जो उनकी साउंड में क्लैरिटी है वो नहीं आएगी, स्क्रीन तो चलेगी पर आपको साउंड समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं, सो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए जाते हैं। जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स होते हैं या फिर ऑडिटोरियम्स होते हैं, उनकी जो रूफ्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट होके सोर्स से साउंड आए, जगह जगह से रिफ्लेक्ट हो और ऑडियंस तक, कोने कोने तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन पे अच्छी साउंड आ रही है और बैक में आ ही नहीं रही है, ठीक है। वो आसपास में कर्व्ड सरफेस बनाया जाता है, और साथ ही साथ जो सीट्स का मटेरियल है या फिर इसके यहाँ पे फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं या फिर रफ प्लास्टर लगाया जाता है, इसकी रूफ्स और वॉल्स जो होती हैं वो, उसको कवर्ड किया जाता है एक मटेरियल से, सिनेमा हॉल की रूफ्स और वॉल्स को कवर किया जाएगा ताकि वो परसिस्टेंस को कम किया जाए। किस तरह के मटेरियल से कवर किया जाता है, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, साउंड एब्जॉर्बेंट, ठीक है, जो एक्सेसिव नॉइज़ क्रिएट होगा ना उसको कम करेगा, उस इफ़ेक्ट को वो रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड और जो सीट्स होती हैं जिसपे ऑडियंस बैठती है, सीट्स का मटेरियल भी कुछ इस तरह से होता है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। हर एक मटेरियल की सिलेक्शन इस तरह से होती है कि उसका काम क्या है, साउंड को एब्जॉर्ब करना,
जो एक्सेसिव साउंड आ रही है उसको रिड्यूस करना, उतनी ही जितनी की रिक्वायर्ड है उतनी ही साउंड चाहिए आपको हॉल में, इसलिए ये सब एफर्ट्स लगाए जाते हैं। अब ये सारा काम क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो हाई रिवर्बरेशन है दैट इज़ अनडिज़ायरेबल रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज़ द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।